जैसा कि हम जानते हैं कि एलएचबी कोर्सेज में काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं सीटीआरबी से रिलेटेड, जहाँ हमारी सीटीआरबी या तो ब्रेक कर जा रही है या फिर उसमें सीजर हो जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सीटीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीटीआरबी होता है कार्ट्रिज पेपर रोलर बेयरिंग। ये हमारे एक एलएचबी कोच में 8 हेडी होती है और उनमें से हमारे जो 4 एक्सल्स होते हैं उन पर कॉनिकली असेंबली होती है और जो 2 एक्सल्स होते हैं उनमें हमारी कार्बन पुश असेंबली होती है। तो सीटीआरबी के पार्ट्स हम यहाँ देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एंड कैप असेंबली होती है, जिसमें ये आपकी एंड कैप है। उसके बाद अलावा ये आपके एक्सल एंड के स्क्रूज हैं और ये बीच में आपकी लॉकिंग प्लेट होती है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारी सील आती है और एक सील बेयरिंग आती है। फिर बेयरिंग के पार्ट में सबसे ऊपर आपकी आउटर रिंग या कप आता है। उसके नीचे आपका केज होता है जिसके अंदर आपके रोलर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इनर रिंग आती है। ये जो 2 केजेस होते हैं ये सेंट्रल स्पेसर से स्पेसर रिंग होती है जो आपके दोनों केजेस को सेपरेट करती है। उसके बाद हमारी दूसरी तरफ भी एक सील आ जाती है और लास्ट में हमारी एक बैकिंग रिंग आती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन फेलियर है उनके कॉजेस क्या क्या हुए हैं। हाल ही में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और जो भी केसेस आए हैं उसमें ये कुछ रीजन हैं जो बहुत ज्यादा पाए गए। तो पहला रीजन है कि हम नॉन स्टैंडर्ड फास्टनर्स यूज कर रहे थे अपने कोचेस में। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी है जो हमारी ऑयलरिंग असेंबली है उसमें हम एलन स्क्रूज यूज ना करें। उसके अलावा उसी जगह हमें हेक्सागोनल हेड स्क्रूज यूज करना है और हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उसका ग्रेड 10.9 होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 8.8 लिखा हुआ है स्क्रू पे, तो इसकी जगह यहाँ 10.9 ग्रेड के आपको स्क्रूज यूज करने हैं। और जो आपको इसके ब्रांड या मेक यूज करने हैं वो TVS, LPS और अनब्रेको के होने चाहिए, ना कि MSI जो यहाँ पे मेंशन है। दूसरा जो रीजन है हमारे प्रॉब्लम्स का वो है इम्प्रॉपर टॉर्किंग। उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा सारा स्टाफ है उसको टॉर्किंग अच्छे से करना आए। उसके अलावा हमारे सारे टॉर्क्स प्रॉपरली कैलकुलेटेड होने चाहिए और इनको हमें फील्ड में यूज करने से पहले टॉर्किंग टेस्टर पे एक बार टेस्ट करके देख लेना चाहिए। इसके अलावा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि टॉर्क रिंच को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो हमारा फेलियर का कॉज होता है वो होता है यूज ऑफ क्लीन वॉशर्स। तो बहुत सारे केस में ये पाया गया जो आपकी ऑयलरिंग की असेंबली होती है उसमें जो स्क्रूज होते हैं उसमें हमारे प्लेन वॉशर्स यूज हो रहे थे, जबकि RDS ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको स्प्रिंग वॉशर्स यूज करने चाहिए जो IS 3063 में टाइप बी के होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब आप स्क्रू टाइट करते हैं तो जो एंड्स हैं ये आपस में मीट कर जाते हैं और आपका जो पकड़ है वो और मजबूत हो जाती है। चौथा जो फेलियर का कॉज था वो था इम्प्रॉपर हैंडलिंग। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि वर्कशॉप्स और डिपोज में जो व्हील सेट्स होते हैं उनको इस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड है व्हील का, एक व्हील का वो आपके दूसरे व्हील सेट की बेयरिंग से आके टच हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बेयरिंग आपकी डैमेज हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि हम आखिरी फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्हील सेट्स को एक साथ लिफ्ट किया हुआ है जिसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं बेयरिंग पे, जिसकी वजह से आपका कप या आउटर रिंग जो होती है वो डैमेज हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं फेलियर के 5वें कॉज पे जो है व्हील डिफेक्ट्स। नॉर्मल जो व्हील डिफेक्ट्स हमारे होते हैं कि डी फ्लैंज हो गया, लेस रूट रेडियस हो गया, थिन फ्लैंज हो गया, उसके अलावा एलएचबी कोचेस में एक और जो डिफेक्ट पाया गया है वो है व्हील शेलिंग का। तो व्हील शेलिंग में क्या होता है कि जो व्हील थ्रेड होता है उसमें छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जो विद टाइम ये गड्ढे इनकी लेंथ और इनकी डेप्थ भी बढ़ जाती है जो हमारे कोच के लिए या हमारे व्हील के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमें देखना है कि व्हील शेलिंग 40 mm लेंथ और 1.5 mm डेप्थ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जिस वजह से हमारी बेयरिंग वाइब्रेट होने की वजह से सीज या जाम हो जाती है। लास्ट कॉज जो हमारा यहाँ पे है वो है स्टैंड स्टिल कोरोजन। कोविड के टाइम पे क्योंकि हमारे कोचेस बहुत समय से ऐसे ही खड़े हैं तो उस वजह से क्या होता है जो इनके बीच में ल्यूब्रिकेशन होता है उसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक ऑयल होता है और एक थिकनर होता है। तो विद टाइम आपके ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो जाते हैं, जो ऑयल है वो जो आपके रोलर्स हैं उनके बीच से निकल जाती है और जो आपका थिकनर है वो और गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से जब बहुत टाइम बाद आपके कोचेस चलते हैं तो बेयरिंग्स आपकी जैम हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि एक टॉर्क रेंच को किस तरह से यूज किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे मैक मास्टर का टॉर्क रेंच है जिसकी रेंज यहाँ से 10 से 68 न्यूटन मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन टैग लगा है कि इसका कैलिब्रेशन
कब हुआ था? इसका 10 सितंबर को हुआ था और इसकी एक साल की वैलिडिटी दी गई है। उसके अलावा अब हम जानते हैं कि इसको हम इसकी रीडिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। ये पीछे आपको जो रबर नॉब दिख रहा है इसको आपको उठाना है और ये ग्रूव है इसमें आपको इसे पुश करना होगा और फिर आपको इसे रोटेट करना है इसी तरह से। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये रीडिंग जो है इसकी बढ़ेगी और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसकी रीडिंग घटेगी। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसका स्केल किस तरफ से लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ न्यूटन मीटर है, यहाँ केजी पर मीटर है, यहाँ अलग अलग स्केल्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे न्यूटन मीटर पे ध्यान देंगे। उसके अलावा एक और जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आप किस तरफ घुमाएंगे कि ये टाइट हो और किस तरफ घुमाने से ये लूज होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है जिसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके लिए हम अपना राइट हैंड लेंगे और अब हमें अगर कोई चीज टाइट करनी है तो इसका मतलब है कि जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो हमारा थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंटेड रहेगा और फिर हमारी जो उंगलियां हैं वो किस तरह से घूम रही हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कैमरे में कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है हमारी उंगलियां, तो हमें उसी तरह देखना है कि ये जो क्लॉकवाइज है इस तरह से हमें इस चीज को सामने रखते हुए यहाँ पे इस पे हमें सॉकेट लगाना है। टॉर्क रिंच को हमें इससे स्क्रू को खोलना है, तो स्क्रू जब खुलता है तो वो बाहर की तरफ निकलता है, तो बाहर की तरफ निकलता है तो हमारी जो उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी आरो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे जब हम लगाएंगे स्क्रू पर और इस तरह से हम इसको घुमाएंगे तो हमारा जो स्क्रू है वो लूज होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि D1, D2 और D3 शेड्यूल में CTRB से रिलेटेड हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। जब हमारा LHB रेक स्टेशन पे आता है तो ट्रेन ड्यूटी के स्टाफ को ये सुनिश्चित करना होता है जो टेम्परेचर है एक्सल बॉक्स का वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो दोनों बेयरिंग्स हैं उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज चेक करने के बाद जो हमारा रेक होता है वो पिटलाइन पर आता है जहां पर हम इसका D1 मेंटेनेंस करते हैं या फिर ट्रिप शेड्यूल जिसको बोलते हैं। D1 मेंटेनेंस में जो स्टाफ होता है उसको विजुअली चेक करना होता है कि जो हमारे एक्सल एंड पे जो स्क्रूज लगे हुए हैं उनमें मार्किंग प्रॉपर हो रखी है या नहीं हो रखी है, और अगर नहीं हो रखी होती तो प्रॉपर टॉर्किंग करनी होती है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। उसके अलावा हमें चेक करना होता है कि नीचे जो होल्स हैं ये ब्लॉक तो नहीं है या इनमें से ग्रीस तो नहीं निकल रही। उसके अलावा पीछे भी इसमें हाथ लगा के देखना होता है कि कहीं ग्रीस तो नहीं निकल रही, जैसे आप देख रहे हैं कि कोई इसमें ग्रीस नहीं निकल रही है। उसके बाद तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी होती है वो देखनी होती है कि जो व्हील के ट्रेड्स हैं इनमें कहीं व्हील शेलिंग के मार्क्स तो नहीं है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऐसे कोई मार्क्स नहीं दिख रहे, पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि 40 mm की लेंथ और 1.5 mm की डेप्थ से ज्यादा व्हील शेलिंग के मार्क्स होंगे तो हमें उस व्हील को विड्रॉ करना। उसके अलावा हम D1 में चेक करते हैं कि जो हमारा ये कंट्रोल आर्म होता है इस पे बर्नड या डैमेज के साइंस नहीं होने चाहिए और हम WSP की प्रॉपर फंक्शनिंग को भी चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि D2 शेड्यूल या फिर मंथली शेड्यूल जो होता है उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। एक LHB कोच में हमारे 8 एक्सल बॉक्स कवर्स होते हैं जिसमें से 6 होते हैं जिनको हम खोल के प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं। इनमें से 4 वो कवर्स होते हैं जिनमें आपके फोनिक व्हील सेंसर्स होते हैं और 2 वो कवर्स होते हैं जिसमें आपके कार्बन बुश असेंबली लगी होती है। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एक एक्सल बॉक्स के कवर में आपके 4 हेक्सागनल हेड बोल्ट्स होते हैं जिनका ग्रेड 10.9 होता है। यहाँ पर जो मेक है आप ये देख रहे होंगे कि ये टफ मेक है, तो जो एक्सल बॉक्स एंड कवर का जो मेक है वो RDSO की अप्रूव वेंडर की लिस्ट में और भी दिए गए हैं, जैसे टफ है, SKD है, पूजा एंटरप्राइजेस है, और उसके अलावा RDSO आगे भी जिस तरह से ऐड करता जाएगा तो वो आप वहाँ पे उनकी अप्रूव लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या चीजें प्रॉपरली इंस्पेक्ट करनी होगी। तो एक्सेल बॉक्स खोलने के बाद हमें यहाँ पे देखना होता है कि जो ये स्क्रूज हैं इनमें सब में प्लेन वॉशर्स होने चाहिए, तो हमारे आउटसाइड एंड पे 2 प्लेन वॉशर्स होने चाहिए और हमारे इनसाइड एंड पे जो वॉशर्स हैं वो अपने स्पीड सेंसर सपोर्टिंग प्लेट वॉशर्स का काम कर लेती है। उसके अलावा हमें देखना होता है कि नीचे यहाँ पे ग्रीस जमा नहीं होना चाहिए, इनकेस यहाँ पे ग्रीस जमा है तो जो इसकी सीलिंग रिंग होती है उसमें हमें देखना है कि कोई डैमेज तो नहीं हो रखा, इनकेस डैमेज है तो हमें उसे व्हील चेंज के लिए कोच को भेजना चाहिए। उसके अलावा हमें यहाँ पे फोनिक व्हील जिसमें 80 दांत होते हैं देखना होता है कि इस पर कहीं इसके किसी भी दांत पे कहीं निशान तो नहीं है स्पीड सेंसर के, और बल्कि स्पीड सेंसर पे भी हमें देखना होता है कि इस पे कोई
डैमेजेस ना हो रखे हों। एक्सल बॉक्स में हमें देखना होता है कि जो हमारे एक्सल एंड के 3 स्क्रूज होते हैं अनब्रेको के, 8.8 इनका ग्रेड होता है, M20 मतलब 20 mm इनका डायमीटर होता है और 200 Nm इनको टाइट इनका टाइटनिंग टॉर्क होता है। तो हमें D2 में देखना होता है कि इन स्क्रूज में प्रॉपरली मार्किंग हो रखी है। अगर ये डिसअलाइंड होंगे तो हमें प्रॉपर टॉर्किंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा लॉकिंग प्लेट में प्रॉपर बेंड आना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फोनिक व्हील के 3 स्क्रूज पे। ये 3 स्क्रूज आपके M8 स्क्रूज होते हैं, 8 mm इनका डायमीटर होता है, ग्रेड इनका 10.9 TVS अनब्रेको और LPS के होते हैं ये। इन पे जो टाइटनिंग टॉर्क होता है वो 21 Nm होता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं D2 में कि प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए और अगर मार्किंग मिसअलाइंड है तो हम इनको 21 Nm पे टाइट करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारे 3 स्प्रिंग वॉशर्स लगे होते हैं। आपको अगर आप किसी वॉशर को ढंग से देखेंगे तो आपको इसमें कट दिख जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी हम फोनिक व्हील को चेंज करते हैं नॉर्मली, ये D2 का पार्ट नहीं है, जब भी हम नॉर्मली फोनिक व्हील को चेंज करते हैं तो हमें स्प्रिंग वॉशर्स को भी चेंज करने की जरूरत है। जैसा कि हमने देखा था कि हमें इन्हें 21 Nm पे टाइट करना होता है और मार्किंग हमारी यहाँ पे सही है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली 21 Nm पे है। तो हमने ये टॉर्क रेंज को 21 पे सेट किया हुआ था और आपने देखा कि ये इसने टक आवाज करी। तो हमें इसमें ये चीज भी याद रखनी है कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो टाइट करने पे जब ये टक वाली आवाज आती है तो आपको इसे वहीं पे छोड़ देना है, आपको इससे ज्यादा इसे टाइट नहीं करना है। बहुत लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते और वही होता है अल्टीमेटली आपका जो स्क्रू होता है वो टूट जाता है। जो एक्सल बॉक्स के एंड स्क्रूज होते हैं इन पे हमारा टॉर्क 170 Nm लगता है, इस पे हमें इनको टाइट करना है। तो ये हमने 170 पे इसको टाइट कर दिया है। इसके अलावा हम इस स्क्रू को खोलते हैं जो स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लगा होता है और हम फीलर गेज के थ्रू डिस्टेंस मेजर करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप 0.9 से 1.4 mm आना चाहिए। अब हम आ गए हैं कार्बन बुश असेंबली वाले एक्सल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे 3 एक्सल स्क्रूज होते हैं जिनको हम ओपन करते हैं। उसके बाद अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कार्बन बुशेस हैं, स्प्रिंग्स हैं, ये 3 नट्स हैं कार्बन असेंबली के। इन पे हम चेक करते हैं कि प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। उसके अलावा हमें चेक करना होता है कि हमारी ये ओ रिंग, जो आप ब्लैक रिंग देख सकते हैं, ये इंटैक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ नीचे पानी भर जाता है जिस वजह से आपकी कार्बन बुशेस डैमेज हो सकती हैं। तो हम इनको D2 शेड्यूल में खोल के चेक करते हैं कि जो ये कार्बन बुशेस हैं ये 8 mm से ज्यादा आपकी नहीं घिसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें चेक करना होता है कि ये स्प्रिंग प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। इसके लिए हम यहाँ इसको यहाँ से कार्बन बुश को खींचेंगे और हम देखेंगे कि ये काफी टाइट हो रखा है, जिसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है कि कार्बन बुश हमारी ऑयलर रिंग असेंबली पे प्रॉपरली टच है। एक्सेल कवर में हम इसके स्क्रूज खोलते हैं। ये स्क्रूज M16 के होते हैं और इनपे 170 Nm टॉर्क लगता है। उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयलर रिंग असेंबली बोलते हैं इसको। T2 में हम चेक करते हैं कि जो हमारे ये 3 बोल्ट्स होते हैं ये M8 10.9 ग्रेड TVS LPS और अनब्रेको के होने चाहिए और इनका जो टाइटनिंग टॉर्क होता है वो 21 Nm होता है। तो D2 हमें हम चेक करते हैं कि जो मार्किंग है वो प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए। अगर मिसअलाइंड होती है तो 21 Nm पे इसको टाइट किया जाता है। हमें ऑयलर रिंग पे चेक करना होता है कि ये लूज तो नहीं है, उसके अलावा इस पे ग्रूव्स नहीं होने चाहिए। इनकेस इस पे ग्रूव या डैमेजेस दिख रहे हैं तो हमें इसको चेंज करना होता है। और हमारे जो ये स्क्रूज होते हैं M8, इनके पीछे सबसे पहले आपके एक स्प्रिंग वॉशर होता है, उसके बाद आपके एक प्लेन वॉशर लगता है। तो हमें देखना होता है कि वॉशर्स प्रॉपरली होने चाहिए इसमें। तो अब हम D3 शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। D3 शेड्यूल में हम वो सारी चीजें करते हैं जो हम D2 और D1 शेड्यूल में करते हैं। उसके अलावा हम 8 के 8 एक्सल बॉक्सेस को खोलते हैं और एक्सल एंड के जो स्क्रूज होते हैं M20 के, उनको विजुअली चेक करते हैं कि जो पेंट मार्क्स है वो अलाइंड है या नहीं है और जो लॉकिंग प्लेट है उस पर जो बेंट है वो भी प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में होना चाहिए स्क्रू के साथ। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको अभी दी रिगार्डिंग CTRB, D1, D2 एंड D3, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।